अस्सलाम वालेकुम। चाट खाना तो सभी को पसंद है, इसलिए चाट वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी घर पर ही बनाना बताऊंगी। ये आसानी से बन जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप ज़्यादा दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 150 से 200 ग्राम इमली ले ली है। ये बिना बीज के आसानी से किराने की शॉप पे मिल जाती है। अगर एक दो बीज रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, सब छानने से सब निकल जाएंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पानी ले लिया, गर्म पानी ले लिया है। अब इसमें 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हाथों से मसल कर पल्प निकाल लेंगे। देखो हमारा पल्प तैयार हो गया है। अब इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। आपके पास जो छन्नी हो उसमें छानिए, हमारे पास ये वाली छन्नी है तो हम इसमें छान रहे हैं। चाट खाना किसको किसको पसंद है हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आलू टिक्की चाट बहुत पसंद है, आप लोग बताइए आपको कौन चाट पसंद है, मैं आपको बताऊंगी। पल्प को हमने यहाँ पर छान लिया है और अब उसी भगोने में रख देंगे पकने के लिए धीमी आंच पर। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्च पाउडर और सौंफ का पाउडर, जीरा, काली मिर्च का पाउडर और एक पिंच फूड कलर डाल देंगे। बेसिक से मसाले हैं, अगर आपके पास सौंफ का पाउडर ना हो तो आप ना भी डालें तब भी चलेगा। मसाले डालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे और इसमें हम अब ऐड करेंगे आधा कप चीनी और आधी कप गुड़। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते, डबल कर सकते हैं। गुड़ से ये होता है कि जो चटनी का स्वाद है वो बढ़ जाता है, और ऐसे कोई बात नहीं, आप चीनी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी पक रही है, अब गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम थोड़े से खरबूजे के बीज डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो ना डालें, हमारे पास रखे थे तो हमने डाल दिए हैं। इससे जो है चटनी मार्केट जैसी लगने लगती है। बीज डालने के बाद 2-3 मिनट और पकाएंगे, बस थोड़ा बीज भी मुलायम हो गए हैं, बस अब इसको हम उतार लेंगे। गैस बंद कर देंगे, गैस का चूल्हा। ये देखिए हमारी गाढ़ी सी चटनी, खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर हमारी इजी सी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप सब शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो हमने यहाँ पर सर्व भी कर लिया है, और आप लोग बताइए आपको कौन सी चाट खानी पसंद है।